मोदी सरकार ने बजट से पहले आर्थिक विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने एफडीआई के कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ऑटोमेटिक रूट से सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। और साथ ही आपको यह भी बता दें, इसके अलावा दूसरा बड़ा कदम एयर इंडिया के विनिवेश के लिए उठाया गया है। एयर इंडिया में 49% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी गई है, यानी एयर इंडिया में विदेशी एयरलाइंस 49% हिस्सेदारी खरीद सकती है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 100% एफडीआई को मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, एफडीआई के लिहाज से सरकार ने यह बड़ी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने सीधे रुख करते हैं, बीपी न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिशिर, ऑटोमेटिक रूट से सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। ऑटोमेटिक रूट से कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में एफडीआई को मंजूरी दी गई है, मतलब क्या है इसका? देखिए, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में जो है वो रियल एस्टेट ब्रोकिंग की बात हो रही है, पूरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात नहीं हो रही है। और ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये होता है कि आपको सरकार की मंजूरी नहीं लेनी होती है, सिर्फ रिजर्व बैंक को बताना होता है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं। देखिए, आज के फैसलों का सबसे बड़ा जो महत्व इस बात पे है कि अगले 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के जाने माने उद्योगपतियों को दावोस में संबोधित करने वाले हैं और उम्मीद है कि वो वहां पर कंपनियों से कहेंगे कि भारत में आकर के निवेश करें। इस तरह के फैसले अपने इस प्रस्ताव को सामने रखने में काफी मदद करेंगे। दूसरी बात जो एयर इंडिया की बात है, देखिए एयर इंडिया का विनिवेश होना है और विनिवेश में अभी तक घरेलू कंपनियां तो खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी, उन्होंने इच्छा भी जताई, चाहे वो इंडिगो की बात करें चाहे स्पाइस जेट की बात करें। अब उम्मीद की जा रही है कि विदेशी कंपनियां जो काफी उत्सुक हैं एयर इंडिया में हिस्सेदारी लेने के लिए, वो खुल करके आगे आएंगे और इससे ज्यादा बेहतर कीमत जो है वो सरकार को मिल सकेंगी। लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में एयर इंडिया के जो कंट्रोल की बात है या ओनरशिप की बात है वो पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में रहेगा। तो विदेशी निवेश को लेकर के निश्चित तौर पर ये बड़ा फैसला है, बजट के पहले है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि दावोस जाने के ठीक पहले लिया गया है, जिससे कि वहां पर एक माहौल बनाने में, निवेश अनुकूल माहौल बनाने में सरकार को मदद मिलेगी। जरा ये समझाएंगे शिशिर सिन्हा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो कहा जा रहा है 100% एफडीआई को मंजूरी मिली, क्या विदेशी कंपनियां अब मकान बनाएंगी हिंदुस्तान में? कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रियल इस्टेट ब्रोकिंग में विदेशी कंपनियों को 100% तक निवेश की अनुमति मिली है। ब्रोकिंग का मतलब है कि जो रियल इस्टेट का मकान हो, चाहे दुकान हो या शॉपिंग एस्टेब्लिशमेंट हो, मॉल हो, उनके बेचने उनके खरीद फरोख्त का काम करते हैं, वहां पर कोई भी विदेशी फर्म जो है उसकी ब्रोकिंग कर सकेंगी। कंस्ट्रक्शन का जहां तक सवाल है, वहां पर पहले से ही कुछ अनुमति मिली हुई है। और सिंगल ब्रांड रिटेल में जो अब 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है ऑटोमेटिक रूट से, इसके बारे में भी जरा विस्तार से बताइए। और क्या ये वही रिटेल में एफडीआई जिसका विपक्ष में रहते हुए बीजेपी विरोध करती रही थी? नहीं, विपक्ष ने जो विरोध किया था वो मल्टी ब्रांड रिटेल को लेकर के किया था, सिंगल ब्रांड रिटेल को लेकर के उस तरह का विरोध नहीं था। सिंगल ब्रांड रिटेल में अभी तक 49% जो है वो आपका ऑटोमेटिक है और 49% से ऊपर के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती है। अब पूरा का पूरा 100% जो है वो ऑटोमेटिक रूट पे है, यानी कि आपको सरकार से मंजूरी नहीं लेनी है, बस रिजर्व बैंक को जानकारी देनी है। आप ये जानती हैं कि आइकिया ने जो है अपने ऑलरेडी स्टोर जो है वो भारत में खोले हैं, कई और कंपनियां जो है वो भारत में कारोबार करना चाहती हैं, उनके लिए ये कदम काफी मददगार होगा। और एक और बड़ी बात यहाँ पर हुई है कि उनके लिए जो सोर्सिंग नॉर्म्स हैं वो भी आसान कर दिए गए हैं। अच्छा शिशिर, आप ये बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए मोदी सरकार की तरफ से ये फैसले जो लिए गए, लेकिन सियासी तौर पर इन फैसलों को किस तरीके से अब लिया जाएगा? देखिए, राजनीतिक तौर पर बीजेपी ही एक पार्टी ऐसी रही है जो कि एफडीआई को लेकर के काफी विरोध करती रही जब वो विपक्ष में थे, और खासतौर पर रिटेल बिजनेस को लेकर के उनका विरोध जग जाहिर सी बात है। ऐसे में ये एक तरीके से यू टर्न लेना जो है वो कहीं ना कहीं सियासी मोर्चे पे हलचल तो मचाएगा ही मचाएगा, और कांग्रेस को और विपक्षी दलों को बीजेपी पर हमला करने का एक मौका देगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर सिन्हा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मोदी सरकार ने बजट से पहले आर्थिक विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है, जो एक तरीके से उसकी जो नीति रही है उस लिहाज से एक यू टर्न भी माना जाएगा। लेकिन जब से सरकार में है बीजेपी, तब से एफडीआई की तरफ बीजेपी कदम बढ़ा रही है। फिलहाल जो कदम उठाया गया है, एफडीआई के कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है ऑटोमेटिक रूट से, मतलब बिना सरकार की
इजाजत ली है, सिर्फ आरबीआई को जानकारी देकर। सिंगल ब्रांड रिटेल जो है उसमें 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा दूसरा बड़ा कदम ये एयर इंडिया, उसमें 49% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि कंट्रोल पूरी तरीके से भारत के पास ही रहेगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो ब्रोकरेज है, जो ब्रोकिंग है, उसमें भी 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।